नमस्कार, मैं अनुज पाल, केकेआर न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। जबलपुर की भेलबाग थाना पुलिस ने जुए के फड़ पर छापामार कार्रवाई करते हुए 9 जुआरियों को गिरफ्तार किया है, तो वहीं जुआरियों के पास से 11,200 रुपए भी जब्त किए हैं। वहीं थाना प्रभारी प्रवीण कुमार ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि दुर्गा चौक फूटा ताल उर्दू स्केल के पीछे जुआरी ताश के पत्तों पर रुपए की हार जीत का दाव लगाकर जुआ खेल रहे हैं। जहां मुखबिर की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दबिश देते हुए जुआ फड़ में जुआरी ताश के पत्तों पर पैसों की हार जीत का दाव लगाकर जुआ खेलते दिखे। जहां पुलिस को देखकर जुआरी भागने का प्रयास करते रहे, लेकिन पुलिस द्वारा घेराबंदी कर जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जी सर, जुआ कुछ पकड़े गए थे, क्या मामला कहां का? सीमा पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जुआ और सट्टे के विरुद्ध आवैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें 15 तारीख को एक फुटाताल चौक है, दुर्गा चौक, वहां पर कुछ जुआ खेलते हुए लोग पकड़ाए गए, जिनसे कुल 11,200 रुपये बरामद किए गए। तथा 9 आरोपी पकड़े गए, जिनके विरुद्ध आवैधानिक कार्रवाई की गई है। सर, ये कहाँ के रहने वाले हैं, क्या करते हैं? ये जोधपुर शहर में विभिन्न विभिन्न जगह के रहने वाले हैं, तथा ये एकत्र होकर 52 ताश पत्तों के लेकर जुआ खेल रहे हैं। कितनी कीमत है सर? लगभग 11,200 रुपये बरामद हुआ है इनसे। लगातार खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए केकेआर न्यूज चैनल से। आपका दिन शुभ हो। आज के लिए बस इतना ही। मनोज पाल आपसे विदा चाहता हूँ।